125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले, कमिंस ब्रांच कुठले ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर। स्वच्छता को बढ़ावा देने के प्रयासों में एनटीपी सिम्बौदा ने चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा अभियान 2024 में विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों, सूचनात्मक सत्रों और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस पहल के अंतर्गत एनटीपी सिम्बौदा ने सामुदायिक स्वच्छता और पर्यावरण को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता पखवाड़ा 2024 की प्रमुख पहलों में से एक सरकारी अस्पताल परिसर का सौंदर्यकरण है। एनटीपीसी मौदा ने अस्पताल की पेंटिंग और निराई गुड़ाई गतिविधियों का संचालन करने का कार्य किया, जिससे अस्पताल के बुनियादी ढांचे और परिवेश में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह पहल मौदा सरकारी अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों के लिए स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने की एनटीपीसी मौदा की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी मौदा ने मौदा सरकारी अस्पताल में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केएम के पृष्ठ परियोजना प्रमुख एनटीपीसी मौदा डॉक्टर उत्तम पाटिल, प्रभारी मौदा सरकारी अस्पताल, एनटीपीसी मौदा कर्मचारी, सरकारी अस्पताल कर्मचारी और आसपास के निवासियों ने भाग लिया है। मौदा सरकारी अस्पताल में सभा को संबोधित करते हुए केएम के पृष्ठ ने भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित पर्यावरण बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने न केवल संयंत्र और टाउनशिप को साफ करने के लिए बल्कि मौदा को एक हरे और टिकाऊ गांव में बदलने के लिए भी एनटीपीसी मौदा के समर्पण को दोहराया है। एनबीसी न्यूज के लिए मौदा से अचल तिजारी की रिपोर्ट।